हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं सारे फूडीज? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनटों में बनने वाला ब्रेकफास्ट के लिए या शाम की भूख के लिए कांदा पोहा। वो हुआ यूँ कि दिल्ली में पड़ रही है झमाझम बारिश, तो और बढ़िया बारिश के बीच में छोटी मोटी भूख तो लग ही जाती है। तो सोचा बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं गर्मा गर्म पोहा रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिए हैं ढेर सारे धनिया, कच्ची मूँगफली, पोहा या चिवड़ा भी कह सकते हैं, प्याज फाइनली डाइस कर लिया है और दो मिर्ची सुपर तीखा करने के लिए। कड़ी पत्ता मैं अपनी बालकनी से ही तोड़ कर ले आई थी और एक नींबू। तो सबसे पहली चीज करनी है, अपने पोहे को अच्छे से धो लेंगे इस तरह से एक छन्नी में रखकर, थोड़ा हाथ से उलट पुलट कर। एक्स्ट्रा पानी झाड़ लेंगे। पानी झाड़ने के बाद पोहे को साइड में रख लेंगे और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अपनी कच्ची मूंगफली उसमें ऐड कर देंगे। अब एक से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर इस मूंगफली को भून लेंगे जब तक अच्छा सा लाल कलर नहीं आ जाता। जब लाल कलर आ जाएगा तो कटोरी में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे, राई ऐड करेंगे, राई के साथ हम अपने फ्रेश कड़ी पत्ते ऐड करेंगे इस तरह से। ये बहुत तेज चिटकता है, थोड़ा ध्यान से। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही हम अब अपने डाइस किए हुए प्याज को ऐड कर लेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अपने पोहे ऐड करेंगे जो हमने साइड में रखे हुए थे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जोरदार खुशबू उड़ रही है, बहुत भूख लग रही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ध्यान रखिएगा मैश नहीं करना, मिक्स करना है हल्के हाथ से। अब अपनी मूंगफली ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे और आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। और बस कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार होने वाला है लजीज और हेल्दी पोहा। अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस अब ऐड कर लेंगे हर कुकिंग लवर का फेवरेट, खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया मिक्स करेंगे। भाई मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, फटाफट नींबू निचोड़ देंगे, ये टेस्ट में बहुत इन्हांस कर देता है पोहे को। बस अब आखिर में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और रेडी है बनकर लाजवाब पोहे। और आपको बता दूं साइड में चाय भी चढ़ गई है। इसे सर्व कर लेते हैं। बनने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको मेरी ये टेस्टी पोहा रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। मेरे इस चैनल कुक विद हनी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।